रोहित गुप्ता और आप देख रहे हो रोहित राजा ब्लॉग। गाइस मैं अभी सोनपुर में लाया हूँ और आज है सोनपुर मेला का इनॉग्रेशन, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हो ये रहा मेला का मेन मुख्य द्वार, इसी में से प्रवेश करेंगे उप मुख्यमंत्री। तो देख सकते हो गाइस अभी ना लोगों का एंट्री होना चालू हो चुका है मेन पंडाल के अंदर, और अभी सबसे आगे मैं ही हूँ और दिखाने की कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा आपको। तो गाइस हम लोग मुख्य पंडाल के अंदर आ चुके हैं, थोड़ी देर में आएंगे उप मुख्यमंत्री और अभी हम लोग आगे सबसे बैठ चुके हैं और जितना अच्छा हो सकता वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस देख सकते हो मंच को कुछ स्टेप से सजाया गया है और इधर में कैमरा मैन को देख सकते हो भाई यहाँ पे लाइव में दिखाया जाएगा। और देख सकते हो गाइस तुरंत में इस साइड में पूरा भर गया लोगों से, एक भी कुर्सी खाली नहीं रहा। सोनपुर मेला 2023 और देख सकते हो यहाँ से पूरा व्यू इस पंडाल। तो गाइस उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं तेजस्वी यादव भाई, इस बार कैसा हाइप बना दिया था कि नीतीश कुमार आएगा, लेकिन भाई वो नहीं आ रहे। उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा मेला का उद्घाटन। तो गाइस देख सकते हो उप मुख्यमंत्री आ चुके स्टेज पे और थोड़ी देर में करेंगे मेला का इनॉग्रेशन। तो अभी देख सकते हो दीप को जलाया जा रहा है और अभी किया जा रहा है मेला का इनॉग्रेशन। तो हो चुका है गाइस मेला का इनॉग्रेशन और ये मेला ना 25 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है और 26 दिसंबर तक चलेगा। तो आप मेला में आ रहे हो या नहीं बताना कमेंट करके। में चल रहे हैं और आपको टेलीग्राम के अंदर घुमाते हैं इसके अभी क्या तैयारी हो चुका है। और गाइस जैसे देखो मेरे पीछे अभी इसमें पिछले बार जैसा कि था ट्रेन वेन किस तरह से काम करता है हमारे बिहार में, उस तरह को दर्शाया गया था। तभी कुछ नहीं हुआ, इस समय रखा था भाई ट्रेन वेन टॉय का। देखो जैसा कि इसमें थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, इसमें है, इसमें अभी सेटअप किया जा रहा है इसको। आपको रेलग्राम का भाई यहाँ पे एंट्री प्रवेश द्वार है, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। गाइस देख सकते हैं यहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं और इस रेलग्राम के अंदर अभी देख सकते हैं इसको कलर वलर कर दिया गया, फूल लगा दिया गया और भाई ट्रेन को ना कलर किया जा रहा है। और गाइस आपको सोनपुर मेला में आपको हर जगह पर आपको ये मिलेगा भाई एक हलवा और पराठा। ये कहाँ का भाई ये है? डिश यूपी का। देख सकते हो गाइस कैसे है, ये मिलता है 40 रुपये पाव मिलेगा गाइस आपको। तो गाइस चलिए अभी चलते हैं कुत्ता बाज़ार की तरफ और आपको दिखाते हैं इधर का भी। गाइस अगर कुत्ता बाज़ार की तरफ जाओगे तो आपको हर थोड़ी दूर पे आपको ये देखने को मिलेगा बर्तन वाले और हॉकी स्टिक, ये सारे चीज़ लोहा का। लेकिन इस बार तलवार को बैन कर दिया गया है और कोई जो आपको जितने ये सब मिलेगा ना बेचने वाले वो लोग कोई नहीं बेचेगा इस बार तलवार पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब आते हो ना चिड़िया बाज़ार की तरफ, कुत्ता बाज़ार की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे बाज़ार। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं बॉम्बे बाज़ार में क्या है। तो आपको देख सकते हो यही सब है मीना बाज़ार तरफ, ये प्लेट वगैरह है जो कि मीना बाज़ार में मिलता है, ये सभी है। वैसे आपको देखो 120 रुपये में सारे सेल में है। देखो मिलेगा डॉग भाई, कितने सारे प्यारे प्यारे आपको टॉय मिलेगा। जैसा कि देखो ये अगला पीलो और देखो गणेश जी, काफ़ी कुछ भाई। देखो साढ़े का भाई 150 है ना, ऐसे 120 साढ़े में कुछ भी ले लो इसमें से। तो भाई सेल ही लगा हुआ है, देख सकते हो कुछ भी ले जाओ 120 रुपये। चूड़ी यही सब मिल रहा है इस तरफ में। और गाइस बॉम्बे बाज़ार के अंदर आते हो तो आपको ये स्वेटर आपको सेल में देखने को मिलेगा। कितना प्राइस है? 500 रुपये में कोई सा भी। तो गाइस 500 रुपये में कोई सा भी ले जाओ। यहाँ पे सिर्फ लड़की का नहीं लड़का के लिए भी है, देख सकते हो चीटर जैकेट और हुडी वगैरह भी है। 500 रुपये पे करो और कोई एक ले जाओ, बच्चे से लेकर सियान सबका है। बॉम्बे बाज़ार के अंदर आपको यह मिलेगा। और गाइस उसका मेन मुख्य पंडाल है और इधर जाओ चिड़िया बाज़ार की तरफ, जो कि हालांकि चिड़िया बाज़ार कुत्ता बाज़ार हो गया है और इस तरफ है उलेन मार्केट और थिएटर। तो चलो आपको सब दिखाते हैं। तो गाइस उलेन मार्केट में मफलर, ब्लैंकेट, कंबल, चादर सारे चीज़ मिल जाएगा, ठंडे गर्म कपड़े सारे चीज़ मिलेगा आपको। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सोभा सम्राट थिएटर के पास और चलिए इसके अंदर चलने की कोशिश करते हैं, इसका प्राइस वाइज जानने की कोशिश करते हैं क्या रहता है और जो भी रहता है आपको बताते हैं। ये रहा सोभा सम्राट थिएटर, तो देख सकते हो सोभा सम्राट थिएटर का यहाँ पे काउंटर है। यहाँ पे भाई अभी तक प्राइस मेंशन नहीं किया गया है। और देख सकते हो मुख्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, जूही चावला, कैटरीना कैफ, सनी लियोनी भाई, और यहाँ पे देख सकते हो वायरल गर्ल काजल। तो भाई जो पिछले बार जो वायरल नहीं हुई थी काजल, जो अपने अश्लीलता के कारण वायरल हुई थी भाई। और चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसका जानने का प्रयास करते हैं क्या टिकट का प्राइस रहेगा, कब से टाइमिंग शो रहेगा उस समय थिएटर के अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए दिखाते हैं आपको स्टेज किस तरह से बनाया है, उस पर क्या कुछ व्यवस्था है इस थिएटर के अंदर।
लास्ट सेक्शन वाला यहाँ पे रहेगा ब्रिकेट कुछ तरफ सेक्शन, और इधर बीच वाला मीडियम वाला, और उसके आगे VIP और VVIP के लिए सबसे आगे रहेगा। चलो आपको उधर से दिखाते हैं। तो ये वाला सेक्शन है ना VIP का सेक्शन रहने वाला है, और देख सकते हो इधर काम ही चल रहा है। और इसके आगे जैसे ही आप जाओगे तो VVIP रहेगा सेक्शन, तो वो भी दिखाते हैं आपको। तो बस ये रहा VVIP सेक्शन, यहीं पे भाई VVIP सेक्शन रहेगा, और यहाँ पे इस स्टेज पे ना लड़कियाँ नाचेगी, नृत्य करेगी भाई। इस स्टेज पे भाई देख सकते हो 50-50 लड़कियाँ एक साथ इस स्टेज पे डांस करेगी। चलिए आपको दिखाते वो लोग, जो लड़की लोग आती वो लोग कि करकट और प्लाई के यूज करके भाई एक रूम बनाया जाता है, और इसी रूम में ना लड़कियाँ रहती है भाई, देख सकते हो। और भाई उधर में लड़कियाँ लोग आती थे भाई, तो भाई उधर नहीं जाते क्योंकि भाई उस लोग का भी पर्सनल लाइफ है, छोड़ो लोग का पर्सनल चीज़ ज़्यादा नहीं दिखाते आपको। और चलिए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। सब लोग दोस्तों वहाँ पर सुभाष सम्राट और ये न्यू इंडिया थिएटर, और इसके बगल में रहेगा क्या नाम इसका, गुलाब विकास थिएटर। बता दो जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ तीन ही थिएटर आएगा, लेकिन भाई तीन नहीं 6 थिएटर को लाइसेंस मिला है, और वो इस बार मेला में अपना प्रोग्राम करेंगे। और भाई इसमें से कोई भी थिएटर चालू नहीं हुआ, चालू होता है जैसे होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो बनाकर। हर साल की तरह इस बार भी ये मिठाई वाला आया भाई। सब चिड़िया बाजार की तरफ आते हो तो भारतीय डिज्नीलैंड मेला देखने को मिलेगा, और इसमें देख सकते हो आपको झूला वगैरह, और एक वहाँ पे मैजिक शो होता है उसमें, और यहाँ देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े झूला आया। इस साइड में देख सकते हो नाव वाला झूला, और ये भाई टावर वाला झूला बहुत बड़ा झूला इस बार आया है, देख सकते हो गाइस। ये ना सबसे बड़ा टावर झूला होने वाला है सोनपुर मेला का, और इधर साइड में भी ये ब्रेक डांस है और नाव वाला, और पिछले साल इधर ही एक्सीडेंट हुआ था झूला का। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चिड़िया बाजार, और हालांकि भाई चिड़िया बाजार रहा ना कुत्ता बाजार हो गया, तो भाई इस कुत्ता के भौंकने के बाद आ रहा है, मतलब कुत्ता आ चुका है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते कुत्ता। दोस्तों आपको पता है देख सकते हैं यहाँ पे चिड़िया कुत्ता बाजार भाई ताला लगा चुका है, कुत्ता बाजार में भाई ताला लगा हुआ है। तो दूसरे रास्ता से हम चल रहे हैं, एक बच्चा लेकर चल रहे हैं, तो चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। देख सकते दोस्तों शायद नहीं दिख रहा होगा, मेरे फ़ोन के कैमरा क्वालिटी बहुत थोड़ा लो है। देख सकते हो काफ़ी कुत्ता आ चुका है गाइस, सबको पिंजरा में कैद किए हुए हैं, और थोड़ा बहुत पिंजरा भी नजर आ रहा है ऊपर साइड में, दिख रहा है साइड से भाई। कल अगर खुलता है ना तो कल मैं आपको वीडियो बनाकर अच्छे से दिखाऊंगा। देख सकते हो फिलहाल में बहुत सारे कुत्ते आ चुका है यहाँ पे, जैसा कि दोस्तों अभी कुत्ता बाजार बंद है, और कल खुलेगा तो कल वीडियो बनाकर आपको अपडेट देंगे। और देख सकते हो इधर यहीं पर भाई पिछले साल ना एक झूला जो यहाँ पे दो है ना, इसी में से एक भाई झूला का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें से एक आदमी की जान चली गई थी। और कैसे देख सकते हो इधर नर्सरी इस समय, इसमें आपको सारे फूल वगैरह मिल जाएंगे, कौन कौन से आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि आपको ये पेड़ पौधा लेना है तो मेला में मिल जाएंगे। तो गाइस सब मैं बता दूं, आप बहुत तरह का झूला देखोगे, ब्रेक डांस नाव वाला मतलब, तो हर तरह का, लेकिन जो इस बार के सोनपुर मेला में ये हार्ट शेप वाला झूला आया है भाई, इस झूला का नाम है कपल झूला। तो भाई ये भी झूल देखो घूमेगा गोल गोल, और उधर से भी गोल गोल घूमेगा, और इसका जो प्राइस भैया बता रहे 50 रुपीस रहने वाला है पर पर्सन। तो भाई देख सकते हो इसको मैं नचा के दिखा रहा हूँ आपको, देखो काफ़ी औसम रहेगा, आपको ये भी घूमेगा और साथ में साथ वहाँ से भी इसको घुमाया जाएगा, और पकड़ने के लिए आपको ये हैंडल दिया गया है। तो गाइस इसमें हम खुल के आपको दिखाते हैं, रुकिए। और यहाँ पे रोहित बैठ के झूला झूल रहा है, मज़ा ले रहा है कपल्स झूले का, देखिए मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, देखिए कितना प्यारा झूला है कपल्स झूला। एंड हम लोग आएंगे दोस्तों जब कंप्लीट मेला लगेगा तो जरूर यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे। अरे भाई गाइस 50 रुपये के लाइक भाई अच्छा झूला है, और देख सकते हो कपल झूला है भाई, इस पे झूलने के बाद भाई गोल गोल मेरा सर घूमने लगा। जैसे कि दोस्तों मैं इस पे अभी कपल झूला के ऊपर हूँ, और देखो इसको हाथ से मैं घुमाऊँगा तो ये चलेगा, देखो इसको भाई कोई नहीं चला रहा है, इसमें हाथ से भी घुमाने का है अपना सिस्टम। गाइस इस पे घूमने से इसको हाथ से भी घुमाकर चला सकते हो, और भैया उसमें अभी लाइट लगा रहे हैं, लाइट लगा तो और अच्छा लगेगा इस ये भाई झूला। तो चला जाए यहाँ से और आगे दिखाते हैं आपको क्या है। हम लोग घोड़ा बाजार आ चुके हैं, और आपको दिखाते हैं कौन कौन से घोड़ा है, घोड़ा का भी इधर दौड़ाया जा रहा है, उस सबका सीन दिखाते हैं चलो। और हमारे साथ हैं अर्जुन भाई और एक और बंदा है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा
पशु मेला है, और यहाँ पे देख सकते हो हजारों की संख्या में भाई घोड़े आए हुए हैं, और इधर देख सकते हो घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है, उसका स्पीड चेक किया जा रहा है, जिसको जिसका स्पीड अच्छा रहेगा उसको व्यापारी लोग खरीदेगा। और जैसे कि दोस्तों देखा आपने, घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है, उसका स्पीड चेक किया जा रहा है, और चलिए दिखाते हैं आपको और सारा घोड़ा, इधर बहुत सारा घोड़ा है। सो गाइस, इसी सबका सेपरेट वीडियो अलग से आने वाला एक दो दिन में ही आएगा। और गाइस चलिए घोड़ा बाजार से निकलते हैं और आगे की तरफ लेकर चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं आपको क्या है। दोस्तों यहाँ पे घोड़ा का सारा सामान मिल जाएगा, जैसे कि नाल वगैरह, और इस तरफ में आपको घोड़ा बाजार आपको मिल जाएगा रास्ता। तो हम लोग आ चुके हैं डिज्नीलैंड झूले के पास, इसमें फिश एक्वेरियम टर्नल है, उसका शायद से रेट बढ़ चुका है, तो चलिए कन्फर्म करते हैं और आपको बताते हैं, और इसमें नया नया झूला जो ऐड हुआ है उस सबको दिखाते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हो आप, उद्घाटन आज मेला का, और देख सकते हो ये अभी तक फिश टर्नल भाई स्टार्ट नहीं हुआ, बोला था कि 25 को हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। देखो काफ़ी ज़्यादा, मत पिछले वीडियो में अगर देखोगे तो इसमें इतना तक काम नहीं हो चुका, और अभी इस बार देखो माँ वैष्णो देवी की जो गुफा बन रही है उसमें बहुत ज़्यादा तक काम हो चुका है, और ये कब तक बन कर रेडी हो जाएगा, जब बनकर पूरा रेडी हो जाएगा तो इसका अंदर का पूरा व्यू दिखाएंगे आपको, कैस किस तरह का ये बना है पंडाल भाई। इसका अभी कन्फर्म नहीं हुआ कि इसका टिकट प्राइस क्या है, सारा चीज़ अगर बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो भाई अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि भाई मेरे चैनल पे सोनपुर से रिलेटेड हर एक वीडियो आने वाला है। और ये देख सकते हो टावर स्क्रीन झूला भाई, ये भी पूरा रेडी हो चुका है लेकिन अभी तक चालू नहीं किया गया है, और जो मैं बोला था सुनामी करके एक झूला आएगा वो भी आ चुका है, चलो मैं वो भी दिखा दूँ आपको। हमको गाइस आपको ना सुनामी झूला दिखाने से पहले आपको लेकर चलते माँ वैष्णो देवी को इस पंडाल के ऊपर, और दिखा दी इसका किस तरह का व्यू है। तो गाइस देख सकते हो ये रहा वैष्णो देवी के माँ के ऊपर जाने वाला रास्ता, और चलिए दिखाते हैं आपको इस किस टाइप का ये पंडाल बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस देखने में। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे कुछ कोई भगवान का यहाँ पे रखा है, कोई भगवान मूर्ति, और देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से देखो ऊपर में क्या ही गजब का लग रहा है देखने में। और आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो बताना कमेंट करके गाइस। और ये पंडाल इस बार मेला का मुख्य आकर्षण यही होने वाला है मुझे लग रहा है, और ये देख सकते हो भाई डिज्नीलैंड मेला का पूरा व्यू यहाँ से ऊपर से काफ़ी गजब लग रहा है, और पूरा ऊपर आ चुके हम लोग, और देख सकते हो यहाँ पे यहीं पे रहेगा माँ वैष्णो देवी का शक्तिपीठ, यहीं पे माँ का शक्तिपीठ रहेगा देख सकते हो मेरे पीछे। और गाइस देख सकते हो यहाँ डिज्नीलैंड का जोन भाई, कितना प्यारा व्यू लग रहा है ऊपर से, सस्ता ड्रोन सब कह लो, और देखो डिज्नीलैंड का भाई व्यू। और गाइस देख सकते हो ऊपर रहा मेन गुंबज, और चलिए नीचे उतरते हैं भाई। तो गाइस चलिए आपको सुनामी झूला दिखाते हैं, और ये देख सकते हो कोई बच्चों वाला झूला है, और ये गाइस रहा सुनामी झूला, जो कि कब से चालू हुआ कुछ आइडिया नहीं है भाई, बोला था पिछले ब्लॉग में 25 से चालू कर देंगे। देख सकते हो गाइस ये सब झूला जो कि रहता ही नॉर्मली हर मेले में, और ये देखो मई मेन मुख्य आकर्षण यही होने वाला है, ये माई वैष्णो देवी का पंडाल और ये दोनों झूला। ये जो डिज्नीलैंड झूला है, डिज्नीलैंड जो जोन है, और माँ वैष्णो देवी का पंडाल, वो आपको हरियाणा द्वार से बाहर आते हो, जैसे SBI बैंक है भाई उसके जस्ट सामने ही है, और इधर ही फिश टर्नल एक्वेरियम है देख सकते हो इधर। आपको ना मैं सोनपुर मेला के हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश किया हूँ, जो छूट गया आने वाले वीडियो में दिखा दूंगा। वैसे ये वीडियो कैसा लगा आप बताना कमेंट में, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।